जो टूरिस्ट आपको जाते समय बताया जाता है कि ओरिजिनल चीज़ें बनाती कैसे, क्या क्वालिटी में होता है। दूसरा, आपने फिल्म देखा वो जोधा अकबर, ऐश्वर्या राय विंडो से झांकता है, वो सीन सामने आला, वहाँ जो विंडो है ना उधर जहाँ से वो अभी लेडीज देख रहा है, उसी फिल्म में एक सीन है जहाँ पे ये ऋतिक रोशन खाना खाता है, तो यहाँ पे वो सीन है। अब ये राजाओं के समय यूज किया जाता था दरबार हॉल के लिए, यहाँ बीच में राजा बैठते, साइडो मिनिस्टर, आराम पब्लिक बार, रानी को परमिशन नहीं तो रानी बैठती वहाँ जालियों के पीछे ऊपर, आपको वहाँ परछाई दिख रही है, राजा नहीं चाहेगा रानी का परछाई भी कोई देखे, तो जब रानियाँ ऊपर चले जाते उनके पीछे पर्दे लगा देते, वहाँ हो जाता अंधेरा तो परछाई भी नज़र नहीं आता। हवा महल जो बनाया वो इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने पैरों के नीचे वाटर टैंक बने हुए हैं जिनका गहराई 40 फीट है, वो सामने से दीवार शुरू होता है, इस दीवार तक खत्म होता है, जाके 100 फीट लंबा है, 60 फीट वाइड है इसका नीचे, हमारे पैरों के नीचे वाटर टैंक है जिसमें आज भी रेन वाटर कलेक्ट होता है, आज भी अभी हम पानी आपको दिखाएंगे। अच्छा। ये बोला आपने गणेश पोल क्योंकि गणेश जी का मेन एंट्री या गेट और गणेश जी का पिक्चर, इसलिए गणेश पोल। तो हमारे जो हिंदू धर्मों में अपने जो घर होते हैं जहाँ पे अपन रहने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे दरवाजे के ऊपर गणेश जी के मूर्ति रखते हैं, तो यहाँ से इनका घर शुरू होता है। यहाँ तक जो अभी देखा ये ऑफिशियल वर्क एरिया, राजाओं के समय जो भी काम अंदर, महल अंदर में है, तो ये 4 स्क्वायर आइए।